नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अलवर जिले से एक बार फिर गैंगरेप की बड़ी वारदात सामने आई है। तिजारा थाना इलाके में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर तीन युवकों ने उससे गैंगरेप किया है। वारदात के बाद पीड़िता इस कदर सदमे में आ गई कि वह 10 दिनों तक परिजनों को कुछ भी नहीं बता पाई। बाद में जब वह नॉर्मल हुई तो उसने परिजनों को इस संबंध में बताया है। इस पर परिजन थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और फिलहाल उनका कोई भी सुराग नहीं लग पाया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को RUHS अस्पताल के परिसर में विभिन्न वार्डों का दौरा किया और मरीजों से कुशल क्षेम में पूछी और उन्हें उपलब्ध भी कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली है। डॉक्टर शर्मा स्वयं पॉजिटिव हैं और अस्पताल में एडमिट होने के बावजूद लगातार अस्पताल से जुड़ी सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमितों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए। राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री मानिक चंद सुराना का आज बुधवार सुबह निधन हो गया। वे पहले कोरोना से पीड़ित थे लेकिन ठीक हो गए। इसके बाद उनका स्वास्थ्य फिर खराब हुआ जिसमें सुधार नहीं हो पाया। उन्हें यहाँ SMS अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस भी ली। साथ ही साथ 90 साल के मानिक चंद सुराना का जन्म 31 मार्च 1931 को हुआ था। छात्र जीवन से ही राजनीति करने वाले सुराना ने डूंगर कॉलेज के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतकर अपनी राजनीति शुरू की थी। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर अपार बढ़ने लगी है। कोरोना संक्रमण के इस फैलाव के लिए पिछले दिनों हुए पंचायत और निकाय चुनाव को दोषी ठहराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब उनकी ही सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि राजस्थान में चुनावों के कारण कोरोना संक्रमण ज्यादा फैला है। कांग्रेस में आंतरिक कलह की नई कहानियां सामने आने लगी हैं। कांग्रेस में विधायकों का दबदबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे चुनावी रणनीति एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। चुनाव नहीं लड़ने वाले नेता और कार्यकर्ता विधायकों की राय को जरूरत से ज्यादा तरजीह मिलने पर भी सवाल उठा रहे हैं। नेताओं के इस वर्ग का तर्क है कि संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी बराबर तवज्जो मिलनी चाहिए। कांग्रेस के इस विधायक आधारित सिस्टम पर अब सवाल भी उठने लगे। राजस्थान में बुधवार को शादियों का अबूझ सावा है और राजधानी जयपुर में करीब 4,000 विवाह समारोह सहित पूरे राजस्थान में इस दिन दसियों हजार शादियां होती हैं। बुधवार 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर परंपरागत रूप से उसे अबूझ सावा कहा जाता है, यानी इस दिन शादी विवाह के लिए मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के खुलने के बाद यह अपनी तरह का बड़ा अवसर है। एक ही दिन में जब हजारों शादियां होंगी और कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच इन शादियों को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी संक्रमण की रोकथाम के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। राजस्थान में बेकाबू हुए कोरोना का कहर अब बनकर टूट रहा है। कोरोना संक्रमण के निक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को भयानक तस्वीरें सामने आई। मंगलवार को प्रदेश भर में रिकॉर्ड 3314 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 19 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। राजधानी जयपुर में एक ही दिन में अब तक के सर्वाधिक 656 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकपा अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक मार्गदर्शक बताया और साथ ही साथ कांग्रेस में उनके योगदान की सराहना भी की है। ठाकरे ने कहा कि पटेल ने महाविकास अघाड़ी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। MVA, शिवसेना, राकपा और कांग्रेस का गठबंधन है जिससे पिछले साल महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के निधन पर CM अशोक गहलोत ने गहरा शोक जताया है। CM ने इसे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी क्षति बताया। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पटेल के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। पटेल के निधन के बाद राजस्थान कांग्रेस में शोक की लहर छाई रही। अब पार्टी के नेता और
कार्यकर्ता पटेल की सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आईटी। नमस्कार।